Hello and welcome to Shark Tank India Season 2, co-presented by ACCO, payments partner Cash Free Payments, ideas partner Small Case, co-powered by PokerBazi, money partner Fi Money, online food partner EatFit, eyewear partner Lenskart. Aisa show, jahan tunnel se tank tak 6 kadam ki journey entrepreneurs ki zindagi badal sakti hai. Kis shark ko baata hai kaun sa idea? Aaiye dekhte hain. शख्स अगर आपसे कोई ये पूछे तो भाई 2-3 घंटे के लिए होटल मिलेगा क्या? ये लाइन सुन के आपके दिमाग में क्या आता है? कुछ तो शेडी है दया. आप बिजनेस के लिए अपने काम से ट्रेवल करते हैं एंड आपका काम जल्दी खत्म हो जाता है, बट फ्लाइट को भी 5-6 घंटे बाकी हैं, तो आप करोगे क्या? किसी अच्छे से कैफे में वेट करोगे या जबरदस्ती की साइट सीइंग करोगे या एयरपोर्ट के अनकंफर्टेबल चेयर्स पे सोने की कोशिश करोगे? क्योंकि 4-5 घंटे के लिए होटल रूम मिलता कहाँ है, और अगर मिलता भी है तो वही शेडी जहाँ रुकना आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा. और उन 3-4 स्टार होटल का भी तो सोचो, वो अपने खाली रूम्स का क्या ही करेंगे. तो क्यों ना हम होटल रूम्स को अच्छे से ऑप्टिमाइज करें. इसीलिए हम लेकर आए ब्रेविस्टे. ब्रेविस्टे की ऐप और वेबसाइट के जरिए अब आप बुक कर सकते हैं 4-star और 5-star होटल्स भी घंटों के हिसाब से अफोर्डेबल प्राइसेस पे. हमारे सारे होटल्स जेन्युइन और गुड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, फिर चाहे वो लेट नाइट फ्लाइट का वेट ही करना क्यों ना हो या फिर अपनी गर्लफ्रेंड का वेट करना, कोई जज नहीं करेगा. और तो और शख्स, हमारे सभी होटल में आपको AC, TV और Wi-Fi जरूर मिलेगा. हमने इसकी शुरुआत 2016 में मात्र 5 शहरों से की थी, जो आज हमारे पास 70 से भी ज्यादा शहरों में 3200 होटल्स हैं. हमारे 10 लाख प्लस ऐप डाउनलोड्स और 8 लाख प्लस बुकिंग्स हैं. इसलिए आज हम प्राउडली कह सकते हैं कि हम इंडिया के सबसे बड़े आवली रूम प्रोवाइडर हैं. हमारा विजन है कि हम होटल्स को अच्छे से ऑप्टिमाइज करें और ब्रेविस्टे को फ्लेक्सिबल होटल बुकिंग का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाएं. हाय शार्क्स, मैं हूं आदित्य. मैं शुभम. मैं प्रतीक. मैं निखिल. मैं अवनीश. और हम यहां पे आए हैं अपनी आस्क लेके 1 करोड़ फॉर इक्विटी ऑफ 1.66%. वेलकम टू शार्क टैंक इंडिया सीजन 2. थैंक यू. तो आपके अभी 5 लोग हैं, बाकी लोग कहाँ हैं? बाकी काम कर रहे हैं. तो आप 5ों को-फाउंडर्स हो? यस यस. हम आल है भाई. तो यू नो, हम लोग नॉर्मली पूछते हैं कि आप लोगों की लाइफ के बारे में बताओ, लेकिन यहाँ तो 1 घंटा लग जाएगा इसी बात को पता. तो आप जल्दी जल्दी बता दो, कौन कौन क्या क्या कर रहा है और पहले क्या किया है. शख्स, मैं हूँ आदित्य देहरादून से एंड आई हैव डन माय BTech फ्रॉम MIT. उसके बाद मैंने MBA करा था और उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग का जॉब किया था अराउंड 3-4 मंथ्स. तब हमारा आइडिया आया था और उसके बाद अभी करंट चीफ मार्केटिंग ऑफिसर ऑफ ब्रेविस्टे. वेरी गुड. मैं शुभम अग्रवाल. मैं नैनीताल के एक छोटे से गांव पिरुमदारा से आया हूं. मैंने BTech इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से की है. क्या बात. उसके बाद मैंने मैजिक पिन और कॉग्निजेंट में भी जॉब करी है. उसके बाद आइडिया प्रतीक के साथ मैच किया और मैंने ब्रेविस्टे ज्वाइन किया और मेरी पोजीशन है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर. शख्स, मेरा नाम प्रतीक सिंह है. मैंने MIT यूनिवर्सिटी से BTech किया है. आदित्य मेरा क्लासमेट था. मैंने BTech के बाद 1 साल जॉब की, देन ये आइडिया आया और इस पे काम करना स्टार्ट किया. आपका क्या रोल है? CEO. मैं CEO. इसलिए आप बीच में हो. Yes. और वो IVS फॉर्मेशन में आप लीड करते हुए. Yes. दोनों आसपास वाले लोग नारे तो लगा दो, हमारा नेता कैसा हो. शख्स, मेरा नाम निखिल है. मैं लखनऊ से हूँ. मेरी उम्र 28 साल है. मैंने BTech कंप्यूटर साइंस किया है UPTU से. मैंने 2 साल एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉब किया है. उसके बाद मैंने ब्रेविस्टे में काम स्टार्ट किया एज अ CTO.
शाक्ष, मेरा नाम अवनीश कुमार है और मैंने बीटेक कंप्यूटर साइंस से किया है मानव रचना इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से। और कॉलेज खत्म होने के बाद मैंने फिर से अपना एक स्टार्टअप स्टार्ट किया था, बट वो समाउ फिर मैं प्रतीक से मिला एंड देन ब्रेवी स्टे को हमने आगे लेकर के जाया। आपका रोल चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। सीओ। चलिए तो मैं बताता हूँ कि हम लोग कैसे मिले। सो प्रतीक मेरा क्लास बैचमेट था एंड निखिल प्रतीक का दोस्त था। सो वी वेंट ऑन अ मनाली ट्रिप बैक इन 2015। तो वहाँ पे हम होटल में जल्दी पहुँच गए थे एंड वी नीडेड अर्ली चेक इन, लेकिन वहाँ पे वो डिनाई कर गया इस चीज़ के रिगार्डिंग। हमें पूरा दिन का चेक वो तो करना पड़ा, लेकिन हमारे पास हम शाम को फिर प्रतीक हम वॉक पे गए तो वहाँ पे प्रतीक को एक क्लिक हुआ माइंड पे कि जो ये हमारे साथ हुआ है और लोगों के साथ भी होता होगा। तो अवनीश, सबसे बड़ी वो मनाली में तो हुआ हाँ जी, हाँ जी, लेकिन सबसे बड़ी जरूरत ये घंटे का स्टे, ये आपकी जरूरत थी कि आप प्रतीक आपकी जरूरत थी? सबसे पहले जरूरत किसकी थी? कॉलेज के टाइम पे तो सबको ही पड़ती है। बेटा आपको भी पड़ी होगी। बेटा वाह, हमारी मेरी लाइफ बिल्कुल सूखी रही है इस मामले में, कभी जरूरत नहीं पड़ी। बट ये सही में ये जो आप कह रहे हो अर्ली चेक इन वाली प्रॉब्लम है, आई डोंट माइंड, मेरे को तो चेयर में अगर लेटने को मिले मैं सो जाऊंगा। तो ऐसा क्या प्रॉब्लम है कि जरूरत है? यूज केसेस मैं बता देता हूँ। आप जैसे कह रहे हो एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन है, आप वहाँ भी देखो इतनी भीड़ होने लग गई है कि आपको कई बार रेलवे स्टेशन पे चेयर तक नहीं मिल पाती है बैठने के लिए। आपका सबसे बड़ा यूज केस क्या है उस पे आओ आप मेन। 70% कस्टमर इस समय हमारे पास कपल्स का है। एग्जैक्टली वही बोल रहा था मैं, तो आप इधर उधर की मत सुनाओ ना, जो है रियल वो बताओ। वो गोली मार रहा है, आप बता दो। हमारे पास सिंगल यूजर्स भी बढ़ रहे हैं, अर्ली मॉर्निंग चेक-इन्स बढ़ रहे हैं, सुबह 4 बजे 3 बजे और 2 बजे भी चेक-इन्स बढ़ रहे हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, आपको रात को 12 बजे अचानक से होटल बुक करना है, आप अगर किसी भी और साइट पे जाते हो तो आपको अगले दिन 12 बजे के अलावा कोई और चेक-इन टाइम सेलेक्ट करने का ऑप्शन ही नहीं मिलता है। हमारी ऐप पे आप 10 मिनट के अंदर भी चेक-इन पा सकते हो। मेनली मेट्रोज में है क्या आपका रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन, बताइए। तो हमारे मेजर होटल मेट्रोज में है, उसके बाद हमने अभी एक्सपेंड करना स्टार्ट किया है Tier 2, Tier 3 सिटीज में। और मेट्रोज में व्हाट स्टार होटल है, मतलब 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार, उसका स्प्लिट बताइए। सो मेनली हमारे पास बजट होटल्स है। कैन वी शो अस, हमको एक स्मॉल डेमो दिखा सकते हैं? हां बिल्कुल दिखाइए। थैंक यू। सो नमिता, लेट्स से आप आपका फ्लाइट लेट हो गया है बैंगलोर में एंड आपको 5-6 hours के लिए स्टे चाहिए आपका। नमिता, आपके एग्जांपल क्यों लिया जा रहा है? बिजनेस के लिए ट्रैवल कर रहे हैं एंड आपका फ्लाइट में कुछ टाइम बाकी है, 5-6 घंटे। सो आप सिंपली आप इनपुट क्लिक करके आप यहां से सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं एंड आप यहां पे डेट सेलेक्ट कर लीजिए। डेट सेलेक्ट करने के बाद मेन USP यही है कि आप चेक इन टाइम अपने मन से चूज कर सकती हैं। 2 AM का चेक-इन टाइम आपने चूज किया एंड आपके पास 2 AM। नमिता क्या कर रही हो? मतलब मैं आपकी एकदम आइडियल कस्टमर हूं ना सर। फ्लाइट लेट है, फ्लाइट डिले। सो आप देख सकते हैं हमारे पास 5-star होटल्स भी हैं, 3 hours, 6 hours and 12 hours के रेट देख सकते हैं। लेट से हमने 3 hours का सेलेक्ट करके आप होटल डिटेल्स पेज पे जाएंगे, आप इसकी सारी इमेजेस देख सकते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल होता है हर होटल में। हाँ। ऐसे होता है, फिर बुक डाउन करा और बुक कर दिया। करेक्ट, यस सर। तो अभी आपने जो यूज केस नमिता का एयरलाइन वाला दिखा दिया, अब अमित का 70% यूज केस जो अमित जैसे लोग करते हैं वो देखो यहाँ पर कोई भी बिलीव नहीं करेगा मेरे जैसा बंदे, अमन के लिए तो फिर भी मैं मान सकता हूँ। एकदम सबसे सस्ता बजट होटल दिखाइए कितने का आ रहा है। फिल्टर्स में जाके क्या रेट्स हैं, क्या रेट आ रहे हैं? 400 रुपए एवरेज, 800 रुपीज आता है एवरेज। जो 800 रुपए आपने बोला 3 घंटे का, अगर मैं पूरे दिन के लिए इस होटल में कमरा लेता तो कितने का पड़ता, कितना सस्ता पड़ रहा है? सो पूरे दिन का सेम होटल आप लोगे तो वो 1700 से 1800 रुपए का पड़ेगा आपको। तो 50% का डिस्काउंट मिल जाता है 3 घंटे का, अराउंड 40-50%। तो मेरा एक क्वेश्चन है इसके ऊपर कि जो होटल होते हैं वो क्यों ये काम करते हैं? तो वहाँ पे होटल्स के पास दिन में जनरली 60-70% रूम्स अवेलेबल होते हैं, वैकेंट होते हैं डे टाइम में। मोस्ट ऑफ द चेक-इन्स रात में होती हैं या फिर लेट नाइट ही होती हैं। हमने होटल्स को समझाया कि आप अपनी इन्वेंट्री ऑप्टिमाइज कर सकते हो हमारे प्लेटफॉर्म के साथ। स्पेयर इन्वेंट्री, ऑक्यूपेंसी लेवल बढ़ा रहे हो, यूटिलाइजेशन बढ़ा रहे हो। यस, और हमने कई होटल्स का 130% तक का यूटिलाइजेशन किया है, 130 से 140% का यूटिलाइजेशन किया है बार बार उन्हें बुकिंग देके।
सेम रूम हम मल्टीपल टाइम सेल कर सकते हैं, वो हमारे प्लेटफॉर्म। मॉनेटरी टर्म्स में बोलूं अगर मैं, एक कमरा से 1700 रुपये बनाता था ओनर पहले, अब कितना बना पाता है? तो हमारे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ने पे एवरेज 2200 रुपये वो बना, 500 रुपये एक्स्ट्रा बना रहा है। बहुत बढ़िया। तो आपकी लीगैलिटी समझाइए मेरे को, लीगल है ये? कम्प्लीटली लीगल है एज पर गवर्नमेंट लॉस। अगर आपके पास, आप 18 प्लस हो और आपके पास आईडीज है, आप होटल में चेक इन कर सकते हो। फर्स्ट चीज, पुलिस के पास भी राइट नहीं है कि वो आपकी प्राइवेसी डिस्टर्ब कर सके। आज आपने कितने देश के कितने लोगों को ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट सीख दिया, आइडियाज दिए। ये करना तो बहुत इजी काम है, कोई भी यू नो मेक माय ट्रिप या किसी के लिए, करते नहीं है क्योंकि बहुत रेजिस्टेंस होता है होटल का। तो आप फंडामेंटल चीज बताइए, होटल्स क्यों नहीं चाहते हैं ये ऑफर करना, क्योंकि ये इसका एग्जीक्यूशन मुश्किल नहीं है? तो जैसे आप कह रहे हो, हमने भी अभी कहा हमारे पास 3200 होटल्स हैं, तो ये एग्जीक्यूशन हो रहा है। और जैसे आपने कहा कि मेक माई ट्रिप गो आई वीवो नहीं करते हैं, आप इसमें यहाँ गलत हैं। गो आई वीवो मेक माई ट्रिप कर रहा है, यही चीज कर रहे हैं आजकल। अभी 15 सितंबर से ही उन्होंने लॉन्च किया है, और अगर आप देखोगे तो उन्होंने 3 घंटे, 6 घंटे और 9 घंटे में निकाला है, बिल्कुल हमारी ही तरह। बट वहां पे डिफरेंट कहां पे आता है कि हमने अभी भी 24/7 फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। एक 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 बहुत जरूरी सवाल है, आपका बिजनेस किस पे टिका हुआ है? दैट यू कैन चेक इन एनी टाइम एंड चेक आउट एनी टाइम, है ना? तो एक बात समझाइए मुझे, थोड़ा गौर करें तो देखते हैं कि दुनिया में सारे ही होटल 12 बजे चेकआउट 2 बजे चेक इन, इतना फिक्स टाइम क्यों रख रखा है? वो फ्लेक्सिबल क्यों नहीं कर देते? तो ये फ्लेक्सिबिलिटी वो अभी तक इसलिए नहीं देते कि अगर आप मार्केट में सॉफ्टवेयर देखेंगे जो SaaS हैं, जो इन्वेंटरी मैनेज करते हैं एज अ होलसम बाकी सब प्लेटफॉर्म्स के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ 24 आवर्स के लिए डिजाइन है, ठीक है, जिसमें उनका चेक इन टाइम बिल्कुल फिक्स कर रखा है। और ये एक इन्वेंटरी है उनके लिए चेंज करना, SaaS के लिए चेंज करना, नॉट दैट इजी टू चेंज कोर सिस्टम, बहुत टाइम लगता है। तो आप इसको एड्रेस कैसे करते हो, क्योंकि आपको भी वही सिस्टम यूज करना है एट द एंड ऑफ द डे? इसको एड्रेस करने के लिए हमने अपना खुद का भी एक सिस्टम बनाया है जो हम होटल्स को देते हैं, जहां से होटल्स मैनेज कर सकते हैं। ये बहुत जरूरी बात है, थैंक यू, इंपॉर्टेंट था। चलो अभी फाइनेंशियल्स पे आते हैं, बताइए। तो लास्ट ईयर हमारा GMV था जो हमने होटल्स के लिए सेल करी थी, वो 18 करोड़ की करी थी। नहीं, GMV मत बताइए, साथ में वो भी बता दें नीचे कितना बचा। हाँ, टेक रेट हमारा जो कमीशन उसमें से आया था रेवेन्यू, वो 3.04 CR था। तो आप कितना परसेंट लेते हैं होटल से? लगभग हमारा जो एवरेज आता है 17% के आसपास का आता है। 17%? और आप पैसे बनाते हैं ये 3 करोड़ पे? अभी की बात करें तो हम थोड़ा सा लॉसेस में हैं, बट लास्ट फाइनेंशियल ईयर हमने प्रॉफिट में क्लोज किया था, जहाँ पे हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस 16 लाख था। वो तो कोविड के कारण। पिछले महीने कितना कितना धंधा किया? पिछले महीने हमारा रेवेन्यू था 42 लाख रुपए, और GMV? हाँ, GMV थी 2.4 CR। मेरी ना मॉम ट्रैवल एजेंट थी, 10 साल तक उन्होंने ट्रैवल एजेंसी का काम किया था। पता उनका ओवर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर उनका बिजनेस बंद हो गया। पता क्यों हुआ? क्योंकि आजकल ये जो ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसीज आ गई है ना, इतनी फंडेड, इतनी बड़ी बड़े पैसे लगाते हैं, इतना मुश्किल हो जाता है कस्टमर एक्विजिशन। मुझे लगता है थोड़ा सा इस बिजनेस में अभी आप लोगों को भी सोचना चाहिए कि इसकी लॉन्जिटिविटी क्या है। मैं अभी आउट हूँ इस बिजनेस से। मुझे आपका बिजनेस मॉडल ही बहुत रिस्की लगता है, तो मेरा इस जर्नी में इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं बन रहा है, एंड फॉर दैट रीजन आई एम आउट। चलिए आप फिकर मत कीजिए, डॉन अभी बैठा है। नहीं, वो तो मैं आउट हो गया। मार्केट इसका बहुत बड़ा है, अनडाउटेडली जापान में ये होटल्स का नाम ही लव होटल्स। अरे इनकी बहुत एक्सपर्टीज है। अरे भाई जल्दी जल्दी बताओ। तो जापान पे यार इतने जापान का पहुंच गया भाई, यहाँ धंधा इवैल्यूएट करो। धंधा ही इवैल्यूएट हो रहा है, धंधा ही इवैल्यूएट हो रहा है। तो जापान में हर रास्ते पे एक एक होटल है। कोई साइज है इंडस्ट्री का आपका वहां पे? हम अभी इंडियन मार्केट में ही एक्सपैंड करना चाह रहे हैं। वो ठीक है, आपने जापान स्टडी किया होगा ना ये बिजनेस किया तो? अरे नहीं करना आपको स्टडी जापान, यार इंडिया करो आप। पता नहीं कहां अटके हो यार, नहीं पता भाई। हाँ अनुपम, इंडियन मार्केट जापान की मार्केट से बहुत डिफरेंट है। कोई आपने स्टडी नहीं की वो? अभी स्टडी नहीं है। ओके, नो प्रॉब्लम। इंडियन मार्केट की साइज बता सकते हैं मुझे? हाँ, इंडियन मार्केट में जो जो होटल इंडस्ट्री का साइज है वो $25 बिलियन का है। नॉट दैट, नॉट दैट, ओनली आवरली स्टे। आवरली मार्केट का अभी एग्जैक्ट डेटा नहीं है। अंदाजा
तो अगर आप कहेंगे हमने जैसे लास्ट साल 18 करोड़ का किया, तो ओवरऑल मार्केट यहाँ पे कहीं 35 से 40 करोड़ की होगी जो लास्ट ईयर रही थी आवरली की। ओके थैंक यू। तो मैं भी आज आउट हूँ इससे। आपका बिजनेस मुझे एज अ यूजर लगता है इसकी काफी नीड है, पर ये होटल्स की डिपेंडेंस ऑन ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट्स इतनी ज़्यादा होती है, उनका अभी इतना ज़्यादा धंधा वहाँ से आता है, तो उनसे पंगे लेना अभी थोड़ा रिस्की लग रहा है मुझे विद अ स्मॉल 1 करोड़ का फंडिंग राउंड। तो फॉर दैट रीज़न आई एम आउट। मुझे लगता है मार्केट बहुत बड़ा है, लेकिन मुझे ये डर है कि आप मार्केट क्रिएट कर रहे हो 6 साल से, लेकिन जब मार्केट क्रिएट हो जाएगा ना, मार्केट ले जाएंगे सारे ओटीए। इसमें सबसे बड़ा रिस्क है हमारा जो रेगुलेशन, हमारी जो देश में जो सभ्यता है, जो संस्कार है, उसको लेके हमेशा ये कॉन्फ्लिक्ट रहता है। आप स्मार्ट बंदे लग रहे हो, ताकि आपने रिसर्च नहीं किया, जो मैं चाहता था आपके आंकड़े सही सलामत हो, यू शुड हैव डन दैट इफ यू कम टू रेज कैपिटल। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। आपको पता ही नहीं इंडस्ट्री साइज, 30-35 करोड़ की इंडस्ट्री आपने बता दी और पैसे लेने आ गए, कोई मतलब बनता है? क्योंकि आपको करना क्या है? ऐसे ही चलते रहना है, टटपुंजिया काम करना है कि कोई बड़ा काम करना है? क्या करना है? बड़ा करना है। बड़ा करना। तो कैसे करोगे जब ओटीए ले जाएगा धंधा, आपको अपने आंकड़े पता नहीं है, तो बड़ा कैसे बनाओ? ये काम को छोड़िए और कोई काम में लगिए। मैं समझता हूँ इसमें कोई बिजनेस नहीं है, जो बनेगा और कोई ले जाएगा। यू आर वेस्टिंग योर टाइम, गेट आउट ऑफ इट, आई एम आउट। देखो मेरे को है ना, आप लोगों की परसिस्टेंस अच्छी लगी यहाँ पर, काफी जाक ने काफी टफ क्वेश्चन पूछे, आपने खड़े होकर दमदार आंसर दिए, बहुत अच्छा लगा मेरे। मुझे नहीं लगता कि आपको जापान के नंबर स्टेज में पता होना जरूरी भी था। एक ही तरीका मुझे लगता है, अगर आपको धंधा बड़ा बनाना है और इतने टाइम मत लगाना उसके अंदर, कि भाई हम लोग ब्रांड ही करते हैं ऐसे कि हम लोग हैं इस पर्पस के लिए। एंड फॉर दैट यू विल हैव टू स्टडी जापान। ओह गॉड, ठीक है भाई यार, इंडिया के रेगुलेशन डिफरेंट, पुलिस डिफरेंट, बहुत सारी चीजें डिफरेंट, तो आप होटल बनाना एग्जीक्यूशन जाना पड़ेगा। अनुपम जी आप बाहर हो, प्लीज मेरे को बात कर दीजिए। पर आज क्योंकि मेरे को नंबर्स भी इतने बड़े नहीं लग रहे, स्ट्रेटजी बहुत क्लियर नहीं लग रही, टीम अच्छी लगी आपकी मेरे को, अगर आपके नंबर थोड़े और बढ़ते हैं तो मैं डेफिनेटली देखना चाहूंगा, बट आप खुल के आओ। सो फॉर टुडे आई एम आउट, बट आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय गाइस। बाय गाइस। बाय। बैग हैवी लग रहा है क्या? हाँ देखो इसे ऐसे नहीं, ऐसे यूज करो। ये प्रॉब्लम मुझे भी हुई थी, फिर मैंने किसी के संग डिस्कस करा और मुझे समझ में आया दैट दिस वर्क्स फॉर मी। और बैगेजेस तो हम सबके होते हैं, काश हमें उससे बात करने के लिए कोई मिलता तो लाइफ कितनी nice. आसान हो जाती। सच में। वेरी नाइस। और हर बैगेजेस में सबसे ज्यादा कॉमन होता है हमारे इमोशनल बैगेजेस। ये काफी भारी बैग लग रहा है इमोशन का। Very nice representation. Yeah. हम अपने बैगेज अमन का क्या करें? Sharks, emotional problems तो हम सभी को होते हैं, but पता है उन सब में common क्या है? हम बहुत अकेला feel करते हैं. That's right. We feel like we are the only one. और कभी किसी के संग discuss करना चाहो तो लगता है कि अरे वो हमें judge तो नहीं करेंगे. कभी हम सोचते भी हैं किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढा जाए जो सिमिलर प्रॉब्लम से गुजर चुका हो, बट उसे ढूंढे तो ढूंढे कहाँ? पर अब वो बदलने वाला है। शख्स मेरा नाम है पुनीता मित्तल, मैं हूँ महक माहेश्वरी, हम बैंगलोर से हैं और हम बना रहे हैं सोला, दुनिया का पहला पीयर टू पीयर नेटवर्क, जिसमें आप किसी भी इमोशनल चैलेंज के लिए, चाहे वो कितना ही कॉमन या कितना ही रेयर क्यों ना हो, एक पीयर से बात कर सकते हैं। पर ये पीयर्स होते कौन है? पीयर्स वो लोग हैं जिन्हें आप जैसा ही सिमिलर चैलेंज का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, वो सेम चैलेंज से ऑलरेडी गुजर चुके हैं। सोलब सिर्फ सीरियस मेंटल हेल्थ कंडीशंस जैसे ADHD, बाइपोलर, डिप्रेशन के साथ साथ हमारी रोजमर्रा की समस्याओं के लिए भी एप्लीकेबल है। लास्ट चीज शार्क्स, सोलब थेरेपी का रिप्लेसमेंट नहीं है, एक पैरेलल अप्रोच है। हाँ जी।
Sharks, हमारा ask है 50 lakhs in exchange of 3% equity. So please lighten up on Solar. All right. Very nice. Very nice. Mehak और पुनीता, welcome to Shark Tank season 2. Thank you. Now that you got rid of your bags, हल्के हो गए आप? चलिए, mental health को लेकर ये जो issue है, I can relate very personally. क्योंकि जैसा कि मैं ओपनली शेयर करता हूँ, आई हैव एक्सपीरियंस सम ऑफ दीज इश्यूज, और मैं ये भी मानता हूँ कि हमारे देश में ये काफ़ी हद तक प्रेवलेंट है, लेकिन लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया अभी तक, और बहुत ज़रूरी है. तो आप अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन कैसे शुरुआत हुई इस दिशा में? सो इसके दो फैक्टर्स हैं, बोथ प्रोफेशनल और पर्सनल. हाँ जी. प्रोफेशनल इसलिए क्योंकि मैं हेल्थ में 13 साल से हूँ, और इससे पहले मैं हेल्थीफाई नाम के एक स्टार्टअप में काम कर रही थी. अच्छा, आप हेल्थीफाई में कर रहे हैं. और वहाँ पे हमने मेंटल हेल्थ के लिए कुछ पायलट्स किए थे, और पर्सनल ऑफ कोर्स अप्स एंड डाउन्स हुए हैं. कितना टाइम काम किया आपने हेल्थीफाई में? सॉरी, हाउ लॉन्ग? 4.5 साल. एज व्हाट, क्या किया वहाँ पे? मैं वहाँ पे उनकी लीडरशिप में थी, एंड आई वॉज हेड ऑफ डेटा साइंस, AI एंड इनोवेशन. पढ़ाई किया. आप दोनों की एज क्या है? मैं 40 साल की हूँ. आपने पढ़ाई कहाँ की पुनीता? मैं IIT से 2007 में ग्रेजुएट. कौन से IIT से? दिल्ली. IIT दिल्ली. मैं भी IIT दिल्ली से हूँ. Yes, I know. Fantastic. फिर वहाँ से आप बोल रहे थे कुछ निजी एक्सपीरियंस रहे, उसके बारे में बताइए. फिर आप बताना. मैं थे रेगुलर कोविड के टाइम में, मैं ओरोविल नाम के एक टाउनशिप में वॉलंटियर कर रही थी 1.5 साल तक. तो वहाँ पे मुझे पहली बार मैंने एक्सपीरियंस किया द पावर ऑफ पियर कनेक्ट, क्योंकि वहाँ लोग बहुत खुल के बात करते हैं. हाँ जी. और उसके बाद थोड़ा रिसर्च किया, यूजर से बात करना शुरू किया. मैं महक के टच में थी, एंड हम लोग कुछ ब्रेनस्टॉर्म कर रहे थे, और हमने और ब्रेनस्टॉर्म किया और डीपर डाइव किया रिसर्च में. नहीं, महक के टच में कैसे थी आप? महक को कैसे जानती? मैं महक को एक म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू जानती हूँ. अच्छा, ओके. और उसके बाद बोथ रिसर्च ऑनलाइन एज वेल एज यूजर से बात किए, हमने सोलर पे कॉन्क्रीटाइज किया. आपका क्या बैकग्राउंड है मैम? मैंने IIT बॉम्बे से इंजीनियरिंग किया है. ओहो, लवली. उसके बाद बेन एंड कंपनी में मैनेजमेंट कंसल्टिंग में जॉब किया. बेन के बाद मैंने इसके पहले दो और स्टार्टअप्स पे काम किया है. पहला डायरेक्ट टू कंज्यूमर स्नैक ब्रांड था, एंड दूसरा विमेंस हेल्थ डिजिटल क्लिनिक था. नहीं, आप ये जो कर रही है, लाइक अनुपम सेड, मैं भी मेंटल हेल्थ इश्यू से गुजर चुकी हूँ, एंड आई एम अ बिग एडवोकेट of support groups as well as counselors. So firstly, congratulations, क्योंकि जो cause आपने चुना है, it's very important, because अभी तक इंडिया में taboo माना जाता है to go see a counselor. And it's really silly, and we need to, you know, normalize these things. So my compliments to you. Thank you. सभी दर्शकों को मैं wish करना चाहूंगी happy होली. Wish you all a very very happy होली. खेलते रहिए, मौज करते रहिए. ये मार्केट थोड़ा समझाएंगे कि कितने परसेंट लोगों को मेंटल हेल्थ के इश्यूज, जैसे एंजाइटी बहुत कॉमन है, कितने परसेंट है इंडिया में? तो इसमें पहले तो मैं डबल मैं आइट्रेट करना चाहती हूँ ये कि ये सिर्फ मेंटल हेल्थ के लिए हम नहीं बना रहे हैं. हम अक्रॉस द कर्व बना रहे हैं, जैसे रोजमर्रा के प्रॉब्लम्स, जैसे रिलेशनशिप स्ट्रेस, लाइफ डिसीजंस. कोई डेमो है आपके पास, आपके प्लेटफॉर्म? यस, प्लीज प्लीज. सो अभी सोलर सिर्फ एक वेबसाइट के द्वारा लॉन्च्ड है. जब भी कोई यूजर सोलर पे आता है, तो वो सबसे पहले अराउंड 9 की कैटेगरीज देखता है, जैसे कि रिलेशनशिप्स, मेंटल हेल्थ, करियर, मेडिकल इश्यूज एक्सेट्रा. अब समझ लीजिए कि मुझे रिसेंटली डिप्रेशन का एग्जांपल ले लेते हैं. डिप्रेशन का डायग्नोसिस हुआ, तो मैं मेंटल हेल्थ पे क्लिक करूंगी, और उसके बाद वंस आई गो टू द मेंटल हेल्थ टैब, मुझे उससे एसोसिएटेड पीयर्स दिखना शुरू होंगे. तो किसी भी पीयर के लिए क्विकली क्या इन्फॉर्मेशन है अवेलेबल, उनका एक्सपीरियंस, वो किस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं. अभी करंटली हमारा वेबसाइट 21 लैंग्वेजेस सपोर्ट करता है. उनके स्लॉट्स क्या हैं, उनकी जर्नी, और उन्हें अभी तक कितने रजिस्टर्ड यूजर्स हैं यहाँ पर? 200 पीयर्स. वो तो पीयर्स हो गए, लेकिन सामने से कितने लोग ने रजिस्टर? तो हमारे अराउंड 700 कॉन्वर्सेशंस हुए हैं अभी तक. सो यू वेरी अर्ली. हमने स्टार्ट किया अभी, बहुत अर्ली. वेरी अर्ली. सेम स्टार्ट किया है. ठीक है, डेमो पे वापस. फिर उससे मुझे वो रेलेवेंट पीयर्स दिखने लगते हैं. आई स्क्रॉल डाउन और आई सी समबडी आई लाइक. समझ लीजिए जैसे सीमा इज रेलेवेंट टू मी, तो मैं वहां से जाके बुक अ कॉन्वर्सेशन पे क्लिक करती हूँ. दे पे, और फिर उसके बाद होती है एक 45 मिनट्स लॉन्ग वीडियो कॉन्वर्सेशन. ये पेमेंट क्या है यहाँ पर? एक रुपए पेमेंट करना पड़ता है यहाँ पर कुछ? जी, 99 रुपीस है अभी के लिए, 45 मिनट्स के लिए. फॉर 45 मिनट्स हम टाइम टू टाइम डिफरेंट थीम्स पे ग्रुप्स करते हैं.
एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम जो ग्रुप फ्लोटेड है आप उसके लिए साइन अप कर सकते हैं. स्मॉल ग्रुप्स में जान के 5 to 6 के ग्रुप में होता है टू कीप इट इंटीमेट एंड कीप द डिस्कशन रिच. और ये सारे थेरेपिस्ट द्वारा फैसिलिटेटेड हैं. रिसेंटली हमने कोई एपिलेप्सी अराउंड डिसेबल्ड पीपल, डेटिंग फटीग और हमें किया था पोस्टपार्टम पे, तो हमने डिफरेंट ग्रुप्स किए हैं रिसेंटली. तो ये मेंटल हेल्थ इश्यूज जो आते हैं लोगों को पता कैसे लगेगा? जैसे अगर किसी को डिप्रेशन है symptoms. उसको कैसे पता लगेगा वो डिप्रेस? उसके आसपास वालों को पहले पता लगेगा ना कि वो डिप्रेस है या उसी को पता लगेगा कि वो डिप्रेस है? कैन बी आइदर, कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन कितना कम्युनिकेटिव है या कितने अवेयर है उनके सोशल सपोर्ट सिस्टम. कभी आपको खुद समझ में आता है तब कभी बाकी लोग आपको नज करते हैं कि कुछ करो, कुछ तो गड़बड़ लग रही है. बट इट इज़ अ जर्नी एंड यही सबसे बड़ा आयरनी है मेंटल हेल्थ का कि जिसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उन्हें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है टू सीक सपोर्ट. थोड़ा डिनायल में भी होते हैं ना लोग. करेक्ट. आपका पैशन क्या है, आपका विजन क्या है? तो हमारा विजन है और हमारा बिलीफ है अनुपम जी दैट द फ्यूचर ऑफ इमोशनल वेलनेस या इमोशनल हेल्थ is peer-to-peer support. That is the future. कुछ चीजों में scalability नहीं है, कुछ चीजों में value नहीं है. Peer support sits at a sweet spot. आप ये क्यों नहीं सोचती है वो technology based हो सकता है, the future? Yes, technology enabled, but mental health एक ऐसी चीज है, personal touch. Human connect central है. It can be scaled using technology. मेरे दो quick questions हैं. Competition क्या है? And not just within India, but even globally, थोड़ा सा बताइए ऐसे support groups के बारे में. Second, revenue model क्या है? How do you make money? Within peer-to-peer जो है अभी आज के डेट में ग्लोबली हम देखें तो कुछ वर्टिकल काफ़ी प्लेयर्स हैं कि जैसे स्पेसिफिकली ADHD के लिए इनफ्लो हो गया या मेडिकल कंडीशंस के लिए पीयर प्रोग्राम्स रन कर रहे हैं कि डायबिटीज एस्थमा के लिए और वो पैसे बना रहे हैं और बड़ी कंपनीज हैं मतलब नॉट बिलियन डॉलर कंपनीज येट बट ऐसे हैव रेज वेंचर मनी. सेकंड क्वेश्चन, आप पैसे कैसे बनाते हैं? तो दो रेवेन्यू मॉडल्स हैं. वन ऑन वन कॉन्वर्सेशंस जो 99 रुपीज है वो प्लेटफॉर्म फी है. अभी हम पीयर्स को पे नहीं कर रहे हैं तो वो एक मॉडल है. सेकंड ग्रुप्स. ग्रुप्स का हमारा एवरेज प्राइस पॉइंट है 500 रुपीज पर यूजर पर सेशन. और कोई भी टॉपिक के लिए हम लोग यूजली 5 to 6 सेशंस के मल्टी सेशन क्लोज ग्रुप्स रन करते हैं. तो द प्राइस पॉइंट इज 2,000 to 3,000 रुपीज. अभी हमारे मार्जिन जो हैं 50% हम फैसिलिटेटर को देते हैं, 50% सोलर. ये 20% 99 रुपीज से पैसे नहीं बनेंगे. तो आप इवेंचुअली थेरेपी भी इस पे कराएंगे कि नहीं कराएंगे? यस, सो वी आर ओपन टू इट. हमारा पीयर लेड मॉडल है, सेंट्रल है पीयर. हम इन्विजन कर रहे हैं दैट इट विल बी अ बिग न्यूक्लियस जहाँ पे बहुत सारे पेयर मतलब आपका एक्विजिशन होगा और उसके बाद रियल मनी तो थेरेपी से बनेगा. एनी हाई वैल्यू प्रोडक्ट कैन देन बी प्लग्ड इनटू दिस बिग ग्लोब ऑफ वन ऑन वन इंटरेक्शन. समझ. आपको कैसे पता लगेगा कि स्किल अप मार जाएगा बहुत तगड़ा? व्हाट आर द की नंबर्स दैट यू आर ट्रैकिंग टू ट्रैक दैट इन्फ्लेक्शन पॉइंट? आई थिंक इन्फ्लेक्शन पॉइंट का जो साइन होगा वो रिपीट और ग्रोथ से ही आएगा. बट ऑल्सो क्योंकि ये नेटवर्क है और इनिशियली काफ़ी मैनुअली सीडिंग करना पड़ेगा बिफोर द नेटवर्क इफेक्ट किक्स इन. तो आई थिंक फॉर अस ये क्लैरिटी है कि नेक्स्ट 1-1.5 साल अभी ये जो 200 पीयर्स हैं इनको कम से कम 10,000 पीयर्स टाइप का नेटवर्क लेके जाना है. एंड उसके बाद नेटवर्क विल टेक केयर ऑफ इट सेल्फ इन टर्म्स ऑफ लाइक बुकिंग्स एज वेल एज रिपीट. चलिए देखिए, आपका अभी बिजनेस तो नहीं है एंड पता नहीं इसमें बिजनेस कहाँ बनेगा, पर दो चीज़ें हैं. एक तो ये मार्केट बहुत बड़ा है और 20 साल में ये बहुत ज़्यादा बड़ा होगा क्योंकि आजकल जो एक चीज़ वो बढ़ रही है वो है स्ट्रेस, एंग्जाइटी, प्रॉब्लम्स. करेक्ट. दूसरी बात ये है कि आप दोनों स्टार्टअप्स में काम कर चुके हो. आप यू नो एज एंटरप्रेन्योर्स एक सॉलिड कंपनी अगर आपके लिए ये पैशन प्रोजेक्ट है और आप टिके रहो इसमें तो बना सकते हो. तो उस बेसिस पे मैं और अनुपम आपको एक ऑफर देना चाहेंगे. बुरा ना मानो, होली है. शार्क टैंक इंडिया और सोनी इंडिया के व्यूअर्स को मेरी तरफ से होली की शुभकामनाएं. जो आपकी आज थी 50 लाख रुपए एंड मैं और अनुपम 20% इक्विटी लेंगे, 10% अनुपम की, 10% मेरी, और हम साथ में इक्वली आना चाहेंगे आपके बिजनेस में. थैंक यू सो मच. आई एम विलिंग टू कम सोलो. ईदर आई कैन डू 50 लाख फॉर 20% लाइक देम. और अगर आपको इतना डायल्यूट नहीं करना है इक्विटी to begin with, then I can do 25 lakh for 10% and 25 lakh debt. It's up to you. But what I bring to the table is A, I get it.
because I've gone through it, right? So I actually get it. Second, tremendous networks. Thank you so much for the offer, Namita. Thank you. So debt to aap service kaise karengi mujhe samajh nahi aaya. You know, debt will be interest free. देखिए यहाँ सब अपना अपना बताएंगे ऑफर. आपने आईआईटी की डिग्री करके जॉब करके ल्यूक्रेटिव जॉब छोड़ के फुल टाइम में ट्राई किया, फाइट बहुत मार रहे हो. अभी धंधा क्या बनेगा वो पता नहीं, पर आप कुछ बना सकते हो इसका बिलीफ आ रहा है हमें. हम देंगे आपको 50 लाख. नो ये डेट वेट पता नहीं, आप में लोग बिलीव नहीं. आप वापस कैसे करोगे अगर 50 लाख हम देंगे आपको पूरा 15% इक्विटी के लिए. I want to be a solo investor. Whose offer are you matching? 50 lakh for 15%. और अगर आपको वो डेट में स्प्लिट करना है टू गिव लेस इक्विटी, आई एम ओके विद दैट. एक ऑफर कीजिए नमिता, डोंट नो व्हाटएवर दे वांट. फॉरगेट द डेट, यू कांट सर्विस द डेट. हम भी मैच करते हैं इनका ऑफर, 50 लाख फॉर 15%. ओके, सो यू हैव 3 ऑफर्स. आप बताइए, जल्दी सोचिए, बताइए क्या होगा. आपको अच्छी डील दिलाने आए थे. अच्छी डील किसने दिलाई वो मत भूलना. चलिए बताइए क्या करना. उनको पसंद नहीं आई फिर. हम लोगों का काउंटर ऑफर है 50 लाख फॉर 5%. अरे वाओ. वी अंडरस्टैंड कि अर्ली स्टेज है बट आल्सो बहुत बहुत बड़ा बनेगा सोला. आई एम विलिंग टू गिव यू 50 लाख फॉर 10%. 50 लाख फॉर 9%. 1% के लिए ना हैगल मत करो, पिक द राइट पार्टनर. पार्टनर तो राइट यहाँ बैठे हैं. I don't want this to become sabzi mandi for you. आपका क्या बोलना है? आउट होना है कि मैच करो? 10%. मैंने तो छोड़ दिया आप पे. तो ठीक है, अभी आपके पास 3 ऑफर है. नमिता का है 50 लाख फॉर 10%. अमन और अमित का है 50 लाख फॉर 9%. विनीता और मेरा है 50 लाख फॉर 10%. आप अभी डिसीशन बनाइए. इट्स क्रंच टाइम का. दो शाक मिल रहे हैं, भूलना मत, वैल्यू ज्यादा मिलेगी. और मुझे अकेले ये डील करना है. 50 लाख फॉर 5%. आर यू इन? यस. ऑसम, हमारा काम हो गया. वेल डन. आपको अच्छी डील दिलाने का काम था हमारा. आई एम सो हैप्पी. थैंक्स सो मच. आई हैव नो रिग्रेट्स. टू वुमेन ऑल फॉर योर लाइफ. इट्स वर्थ द 5%. थैंक यू. यू वर्थ इट. थैंक यू. नमिता एक झटके में लगी डील हमारी. अच्छी डील. मेरी डील थी. हाँ, I know. This, I want to make this big. Once upon a time, there was a girl in a land far, far away, जिसको किताबें पढ़ने का बहुत शौक था. वो सब कुछ पढ़ लेती थी, न्यूज़पेपर, पोस्टर्स और तो और शैम्पू के लेवल के इंग्रेडिएंट्स भी. पर जब बुक्स की बात आती थी ना, तो उसके पास बड़े लिमिटेड से ऑप्शंस थे. नो पॉइंट्स फॉर गेसिंग, वो लड़की मैं ही हूँ. Oh, I thought you were talking about Vinita. शैम्पू को इंग्रेडिएंट. Hi Sharks, मेरा नाम सुरभि है. मैं 26 साल की हूँ और मैं गोपालगंज के एक गांव कोट नरहवा से हूँ. Hello Sharks, मैं देश हूँ. मैं 26 साल का हूँ और मैं उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से. Wow. Sharks, हमारा स्टार्टअप रीडर्स की प्रॉब्लम्स को दो तरीकों से सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है. पहला है चैप्टर 1, जो कि एक ऑनलाइन बुक स्टोर है. चैप्टर 1 पर बेस्ट सेलर्स और हिडन जेम्स को हम अपने यूजर्स से ना सिर्फ इंट्रोड्यूस कराते हैं, बल्कि उनको रीजनेबल प्राइसेस पर विद वैल्यू एडिशन अवेलेबल भी कराते हैं. हमारा दूसरा सॉल्यूशन है द बिग बुक बॉक्स. ये एक क्यूरेटेड मंथली बुक सब्सक्रिप्शन है. हर महीने इस बॉक्स में हम आपके लिए 4 अमेजिंग क्यूरेटेड न्यू बुक्स लाते हैं और उनसे इंस्पायर्ड मर्चेंडाइजेस भी लाते हैं. हमने आज तक लगभग 70,000 से ज्यादा ऑर्डर्स डिलीवर किए हैं और 3 लाख से ज्यादा बुक्स और मर्चेंडाइजेस रीडर्स तक को पहुंचाए हैं.
शार्क्स हमारा मिशन है कि हम इंडिया में एक बहुत ही इम्पैक्टफुल रीडिंग कल्चर डेवलप कर सके. इसके लिए हमारी आपसे आस्क है 50 लाख फॉर 8% इक्विटी इन आवर कंपनी. वेलकम सुरभि एंड देश. थैंक यू सर. मैंने आपको देखा थोड़ा प्रे कर रहे थे जब स्टार्ट किया था अपने पिच. हाँ जी, जहाँ से मैं आती हूँ वहाँ से आज मैं यहाँ पर हूँ, ये मेरे लिए इन इटसेल्फ इज अ वेरी बिग डील. कहाँ है ये? गोपालगंज. ये लालू प्रसाद जी भी गोपालगंज के? हाँ जी, हाँ जी. अच्छा. यूपी बिहार के बॉर्डर पर एक जिला है और उसमें मेरा जो गांव है कोटनरमा, एक बहुत ही छोटा सा गांव है, लाइक 1200 पीपल. आप वहाँ पे पैदा हुई थी? हाँ जी, हाँ जी. पढ़ाई भी वहीं करी है? वहाँ मेरे टाइम पर, ये 95-96 वाली जो जनरेशन थी और उसके पहले, लड़कियों को तो मतलब इंग्लिश मीडियम में भेजते ही नहीं थे. लड़कों को पढ़ा दिया वही उनके लिए बहुत बड़ी बात होती थी. मेरी मम्मी पटना से हैं और शी वेंट अगेंस्ट माई ग्रैंड पेरेंट्स और उन्होंने मेरी पढ़ाई करवाई. उन्होंने मेरे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजा. सारा पटना में? नहीं नहीं, गोरखपुर. गोरखपुर. मुझे लगता है कि आप बहुत ही लकी रहे कि आपको इतनी स्ट्रॉन्ग मदर मिली. दिस इज व्हाट वी नीड. इंडिया को आगे बढ़ने के लिए हर लड़की को पढ़ना होगा. बिल्कुल सर. मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, देश से, आपने क्या किया? मैंने स्कूलिंग मिर्जापुर से ही करी है, फिर मैं कोटा गया IIT की प्रिपरेशन करने, नहीं हुआ. ओहो. वहीं पे मेरी सुरभि से मुलाकात हुई और कोइंसिडेंटली बुक स्टोर में ही मुलाकात हुई. अच्छा. अरे वाह. We were looking for a same book, Hemingway की book थी. The Old Man and the Sea. Oh, और आपको, yes, very nice book. और आपको पता है वो last copy थी. फिर क्या हुआ? हम दोस्त थे तो उसने बताया कि एक ऐसा plan है शुरू करने का, सारी चीजें मुझे website बनाने की जरूरत है. तो I knew how to make websites. तो मैंने कहा ठीक है, मैं help करूँगा. But इससे बात करने के बाद पता लगा कि यार ये problem तो मैंने ही face करी है. Because बचपन में मेरे parents हमेशा बोलते थे कि maths पढ़ो, physics पढ़ो, कुछ भी पढ़ो लेकिन नॉवेल्स मत पढ़ो. तो मैं छुपके वो नन्हे सम्राट या चंपक मैगजीन आती थी, चाचा चौधरी, सुपर कमांडो ध्रुव. आई हैव ऑलवेज वांटेड टू बी एन एंटरप्रेन्योर सर. जब आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, 2003-04 में जब से मैंने बिल गेट्स का नाम सुना था, मतलब आई जस्ट वांटेड टू डू समथिंग. वाओ. व्हाट हैपेंड टू द बुक? जो किताब थी शी टुक अवे सर. वो ले गए? ओह या, आई टुक इट. आई लाइक दैट. वैसे आप दोस्त हैं कि मेरी तरफ से सोनी टीवी एंड शार्क टैंक इंडिया के सभी दर्शकों को अ वेरी हैप्पी होली. शार्क टैंक इंडिया और सोनी टीवी के सभी व्यूअर्स को मेरी तरफ से हैप्पी होली. मैं आपको एक सच बात बताऊं, मैंने अपनी जिंदगी में एक किताब नहीं पढ़ी. मैं MBA कॉलेज में गया और वहाँ पे उन्होंने बोला कि आप बुक पढ़ो क्योंकि बुक पढ़ने से रीडिंग बहुत तेज हो जाती है. तो मैंने एक छोटी सी बुक आती थी, बहुत छोटी, जोनाथन लिविंगस्टन सीगल. वो मैंने उसको मैंने कंप्लीट करने में 2.5 महीने लगा दिए. मैंने उसके बाद किताब नहीं पढ़ी. मैं एक ही किताब पढ़ूंगा और वो होगी जब मेरी आई. सर हम भी पढ़ेंगे. बट आपने आपने ये वाली पढ़ी है, एक डॉल्फिन एंड द शार्क? सर एक्चुअली मैं अपनी कॉपी लेकर के आई हूं साइन कराने के लिए. ओह दैट्स सो स्वीट. आप लोग में से और कौन बुक नहीं पढ़ता? मैं भी बुक्स नहीं पढ़ता हूं बिल्कुल भी. मैं तो बहुत बहुत बुक्स पढ़ता हूं. सर कैन वी शो यू द बॉक्स इफ यू? यस प्लीज प्लीज. अमन तुमको बॉक्स दिया ही नहीं. बहुत भारी है. अमन को बॉक्स ही नहीं दिया. अरे इतना भारी भाई, बहुत भारी. Yeah, it's very heavy. वजन है भाई. देखो उन्हें पता था कौन बुक्स पढ़ता है, मेरे को और अमित को ही नहीं दिए. Wow. Wow. Amazing. ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? Incredible quote. Yes, sir. There is defiance in being a dreamer. What an incredible quote. Love it. किसने बनाई ब्रांडिंग ये? सर बहुत ही सुंदर लगी मेरे को. बहुत ही लवली ब्रांड. Obstinate, headstrong girl, that's me. इसको हिंदी में ढीठ बोलते हैं. मैं ढीठ हूँ. बिल्कुल. तो लोग आपसे क्यों खरीदेंगे? Like rather than going to a bookstore, मैं आपसे क्यों खरीदूंगी आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से? Is your USP ये बॉक्सेस? नमिता बात यह है ना, यूके और यूएस से बुक्स आती है इंडिया में. इंडिया अपनी बहुत कम लिमिटेड किताबें छापता है. तो यूके और यूएस की जो लिस्ट होती है ट्रेड बुक्स की, फिक्शन, नॉन फिक्शन एक्सेट्रा, वो 250-300 किताबों की हर महीने होती है एक पब्लिशर की.
जब वो लिस्ट इंडिया में आती है तो इंडियन मार्केट में आप देखेंगे दो बेस्ट सेलर्स और बाकी वही पुरानी बुक्स फ्रॉम द पॉपुलर ऑथर्स। तो हमारे पास क्या है, हम उनसे बहुत आगे बढ़ के वो बुक्स अवेलेबल कराते हैं जो या तो आपको और किसी प्लेटफॉर्म पे मिलती नहीं है, या फिर कोई रैंडम सेलर्स अगर लिस्ट भी करते हैं तो ऐसा बहुत इन्फ्लेट करके प्राइस लिस्ट करते हैं। तो ये सब चिटर पुटर बाकी चीजें, बुक तो बहुत कम है बॉक्स खोल के, मतलब दो ही बुक्स है, बट ये सब है तो इससे कल्चर बढ़ता है लगता है आपको कि? जी मैम, हमारे पास चार ऑप्शंस हैं और कॉफी के नाम पे हमने बॉक्सेस का नाम रखा। तो सबसे छोटा वाला फ्रैपे होता है, उसमें एक किताब होती है, एस्प्रेसो में दो किताब होती है, कैपेचिनो में तीन होती है और मोका में चार होती है। और इसके अलावा हमारे पास मेक योर ओन बॉक्स का भी ऑप्शन है, जहाँ आपको लगे कह रहे मुझे मर्चेंडाइज तो नहीं चाहिए, मुझे बुक्स चाहिए, तो आप सिर्फ बुक्स ऐड करके भी अपना बॉक्स बना सकते हैं। कितने का बॉक्स है सर? ये एस्प्रेसो बॉक्स है, दिस इज 1899। अगर आप स्टार्टिंग में खरीदते हैं तो 20% डिस्काउंट मिलता है, तो 1500 के आसपास कस्टमर को मिल जाता है, 1500-1600। मैं आपको हमारी वेबसाइट और ऐप का डेमो दिखा दूं? यस प्लीज प्लीज। तो सर सबसे पहले जो चैप्टर 1 के बारे में हमने आपको बताया, ये हमारा रिटेल प्लेटफॉर्म है। तो जब आप हमारा ऐप खोलेंगे तो सबसे पहले आपको कैटेगरीज यानी कि जॉनराज दिखते हैं, YA, फैंटेसी, मैंगा एटसेट्रा। कुछ ऐसी बुक्स होती हैं जो एक्सक्लूसिवली सिर्फ हमारे पास होती हैं। इसके जो आप स्पेशल एजेस देख रहे हैं और स्पेशल एंड पेपर्स देख रहे हैं, ये सिर्फ हमारे पास अवेलेबल है। स्पेशल एजेस क्या होता है? उस पे स्पेशल प्रिंट्स होते हैं बेसिकली, जो कि इंडिया में जल्दी नहीं मिलते। दूसरा है हमारा बिग बुक बॉक्स जो आप देख रहे हैं, उसकी ये वेबसाइट है। हर महीने हम एक थीम पिक करते हैं, अगस्त के लिए हमने डार्क एकेडेमिया पिक करा। ये हमारा एस्प्रेसो बॉक्स है, विच इज द बिगेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट ऑन द बिग बुक बॉक्स। जब आप इसको खोलते हैं तो आपको इसमें जो बुक्स आ रही हैं उनके बारे में और जो मर्चेंडाइज आ रहे हैं उनके बारे में सारा कुछ पता लग जाता है। 3 महीने, 1 महीने और 6 मंथ्स का प्लान है। ऑन पॉपुलर रिक्वेस्ट वी ऑल्सो स्टार्टेड ईयरली सब्सक्रिप्शन। कौन डिसाइड करता है बॉक्स में क्या जाता है हर महीने? सर वो मेरा काम है, वो मैं आपका। आई लाइक टू से कि आई एम द हार्ट ऑफ द बिजनेस, ही इज द ब्रेन ऑफ द बिजनेस। नाइस, आपकी जोड़ी और केमिस्ट्री बहुत अच्छी लग रही है। ये मार्केट ओवरऑल तो अनफॉर्चुनेटली, मतलब रीडिंग कल्चर जितना भी हम जगाना चाहे, डिक्लाइनिंग है। मेरी कंपनी में 25 साल से कम के बहुत बच्चे हैं, तो हर सीक्रेट सेंटा में मैं उनको बुक देती थी, टिल आई गॉट फीडबैक कि मैडम प्लीज किसी को बुक में इंटरेस्ट नहीं है, आप देना बंद करो। इट्स अ फैक्ट। तो आपको क्या लगता है ये मार्केट कितना बड़ा है, ग्रो कर रहा है, कम कर रहा है, कैसे चेंज होगा ये कल्चर? तो नीलसन के सर्वे के अकॉर्डिंग फिजिकल बुक्स स्पेशली उनका मार्केट बढ़ता जा रहा है। कितना? लास्ट ईयर इट ग्रू अराउंड 26.1%। What? Yes, yes. Really? Yeah. Must be electronic book. ये इंडिया में बड़ा है? इंडिया में बड़ा है? हाँ, इंडिया मार्केट है। करोड़ में बताएंगे कितने करोड़ से कितने करोड़ के? The total, you know, TAM is around 13 crore. People read, जिनको किताबों के बारे में पता है। Number of value terms में? Value is about $8.8 billion. But there's a catch. ये सारा textbooks लेके। टेक्सटबुक हटा दो, अब वो बताओ ना जो इस टाइप की कैटेगरी। इट्स अराउंड $3.2 billion। बहुत बड़ा नंबर है। नंबर नहीं सही लग रहा है, बहुत मुश्किल लग रहा है। मैं आपके बिजनेस के नंबर्स बता दो सर। लास्ट फाइनेंशियल ईयर में हमारा रियलाइज्ड रेवेन्यू था 3.50 crores एंड इस बाय टू डेट अभी तक हमने 1.4 crores का बिजनेस किया। कितना हो जाएगा इस साल तक? इस साल वी आर टारगेटिंग 4.5 crores. नॉट बैड, नॉट बैड। इंक्लूडिंग बुक्स एंड मर्चेंडाइज़ एवरीथिंग वी डू। प्रॉफिट कितना बनाया? 3.5 crores में कितना? सर ग्रॉस मार्जिन वाज अराउंड 1.05 crores. और नीचे लास्ट प्रॉफिट कितना था? फाइनल लास्ट प्रॉफिट वाज अराउंड 25-30 crores. साढ़े तीन करोड़ आपने पिछले साल किया, उसमें से ऑनलाइन स्टोर में कितना बिका और सब्सक्रिप्शन कितना? अराउंड 1.90 crores बॉक्सेस से आए। अच्छा, 1.10 crores आए हमारे रिटेल प्लेटफॉर्म से, जहाँ पे आला काटे आप बुक्स खरीद सकते हैं, एंड बाकी का जो रेवेन्यू है वो मर्चेंडाइजेस से आया। बहुत मजा आया आप लोगों से मिलके, बट आपको पता ही है बुक्स का ज़्यादा शौक है नहीं, मतलब ऑल्दो मेरी फैमिली पढ़ती है। और सेकंड मुझे लगता है कि डिक्लाइनिंग बिजनेस है थोड़ा सा, कि यू नो आगे जाके बुक्स, ई बुक्स वगैरह ज़्यादा लोग पढ़ेंगे।
So for that reason, I am out. Thank you. We understand, Jack. India में जो subscription वाला use case है, वो जब 6 महीने का इंसान को एडवांस में पे ना करना पड़ता है तो उनकी एक्सपेक्टेशन हो जाती है कि मुझे 50% डिस्काउंट मिलना चाहिए. एंड फिर उसमें क्या होता है, आपको हर महीने कुछ पहुंचाना बहुत मुश्किल हो जाता है. तो वो स्केल करने सब्सक्रिप्शन बिजनेसेस अभी भी थोड़ा मुश्किल है, पर इसको प्रॉफिटेबली टू अ सर्टेन स्केल डेफिनेटली बिल्ड कर सकते हैं. तो मुझे राइट नाउ ये स्केलेबल बिलिटी समझ नहीं आ रही है, पर आई वुड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू दिस. आई थिंक सख्त जरूरत है बच्चों में रीडिंग कल्चर को वापस लाने की. सो बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू विनीता. सुरभि और देश, आपका पैशन तो समझ में आ रहा है, लेकिन आपको अल्टीमेटली इसके साथ क्या करना है मुझे ये समझना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर बिजनेस तो आप समझ ही गए होंगे थोड़ा डिफिकल्ट. So we want to build a tech-enabled platform. We want to build an ecosystem for readers. आप जिंदगी में क्या करना चाहते हैं? एक बहुत बड़ी कंपनी खड़ा करना चाहते हैं या एक कल्चर ड्राइव करना चाहते हैं, बच्चों में जागृत करना चाहते हैं रुचि पढ़ने की? सर, एक कल्चर ड्राइव करना चाहते हैं और बहुत बड़ा बिजनेस बनाना चाहते हैं, दोनों. जैसे हम पब्लिशर से बात करते हैं जिनसे वी सोर्स दीज बुक्स, तो वो हमें ऐसा बताते हैं कि यू नो द स्काई इज द लिमिट जब किताबों की बात आती है. तो ठीक है, अब बाहर आप देखिए बांज नोबल है, वाटर स्टोन्स है, द कल्चर इज सिंपली बूमिंग. और जैसे जैसे इंडिया की लिटरेसी रेट बढ़ रही है, हमारे यहाँ और एजुकेटेड लोग आ रहे हैं, स्पेशली यंगस्टर्स, तो इस डेमोग्राफिक को देखे तो द बुक्स आर ओनली गोना बी बिगर एंड बेटर. बांज नोबल तो स्ट्रगल कर रहा है, बैंकरप्टसी बहुत शट डाउन कर दिए, बंद हो गया बांज, ऑलमोस्ट बैंकरप्ट. या बट उनका जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उस पे अभी भी दे आर एबल टू गेट अ टन ऑफ अमेजिंग बुक्स, जो आपको लिटरली कहीं और वो एडिशंस या वो किताबें नहीं मिलती. आई थिंक दैट नंबर ऑफ 26% ग्रोथ इन एक्चुअल बुक्स, मुझे नहीं लगता है वो नंबर एक्यूरेट है, क्योंकि मैं जब अपने यू नो जस्ट इन जनरल लोगों से बातें करती हूँ अबाउट बुक्स एंड ऑल, इट्स अ डाइंग कल्चर अनफॉर्चुनेटली. सो आई थिंक इट्स अ श्रिंकिंग टैम. एंड आप जो बोल रही ना, फ्यू जो आपका यूएसपी है, फ्यू बुक्स दैट आर नॉट इजीली अवेलेबल. मैम, फ्यू आर अवेलेबल, मोस्ट आर नॉट अवेलेबल. आई डोंट नो, आई मीन पीपल यूजुअली वांट टू गो फॉर बेस्ट सेलर्स, एंड बेस्ट सेलर्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स अवेलेबल होती हैं. एज एन इन्वेस्टर मुझे नहीं लगता है कि इसमें मेरे पैसे 100 गुना बढ़ सकते हैं, एंड फॉर दैट रीजन आई एम आउट. नहीं, आई वुड लाइक टू डिसएग्री. आई क्या हो गया? इनको पता है क्यों लग रहा है? जो उनकी सेल्स है ना बुक की. इसीलिए डाइनिंग रूम बन रही है. इसीलिए अरे मेरी बेस्ट सेलर पे पहुंच गई है. देखिए, मैं जहां तक समझता हूँ, इंडिया में 5000 बुक अगर आप बेच लो तो उसको बेस्ट सेलर कहलाते हैं. ठीक बात है नमिता? हाँ. इन द यूएस, इन द वेस्ट, आप बेस्ट सेलर तब कहलाते हो व्हेन यू सेल 100,000 और 1,000,000 बुक्स. तो मार्केट बहुत ही छोटा है. करेक्ट. एक दूसरी प्रॉब्लम ये भी है जो आपने एड्रेस नहीं की, 50-60-70% ऑफ द मार्केट तो अनऑथराइज बुक सेलर्स ले जाते हैं. आप सिग्नल्स पे, चर्च गेट स्टेशन पे, अलग अलग रेलवे स्टेशन पे बुक्स की शॉप्स देखेंगे, ऑल ऑफ देम अनऑथराइज एंड टू अ सर्टेन एक्सटेंट इलीगल. इसके बारे में आपकी क्या राय है? नहीं, और एक मिनट में एक पॉइंट यहाँ ऐड करना चाहूंगी. मेरी भी बुक जब पब्लिश हुई, आई हैड अ चॉइस कि 10,000 एक्स्ट्रा वर्ड्स डाल के उसे एक हार्ड कॉपी बुक बनाओ. सो यू नो, एक सडन प्रेस्टीज होता है, 800 रुपए की होती है, या तो फिर उसे एक 300 रुपए की पेपर बैग बनाओ. एंड आई चूज पेपर बैग बिकॉज द रियलिटी इज कि ये आई वॉन्टेड मोर पीपल टू रीड. और ये जो हमारे देश का मार्केट है वो एक प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, तो आप ये जो 1500-1600 में बेच रहे हो, ये प्राइस सेंसिटिव मार्केट में ये मुश्किल है. और पेपर बैग इन्होंने इसलिए भी बनाए क्योंकि अपनी खुद की 5000 बुक खरीदना आसान हो जाता है. बेस्ट सेलर बनाने के लिए दोस्त हो तो ऐसे दुश्मन की जरूरत ही ना हो. फाउंडर, आपका मंच है, आप जवाब दीजिए जो मैंने कहा, अनऑथराइज्ड और कॉपीराइट वायलेशन. अनुपम, आप ये जो बात कह रहे हैं ना, ये बिल्कुल बहुत सही है. और आप सरप्राइज्ड होंगे, जो ऑनलाइन पोर्टल्स हैं वहां पर भी ये पायरेटेड कॉपी बेचने वाले लोग अवेलेबल हैं. लेकिन That's where our differentiator comes in. हमारे पास जो कलेक्शन है बुक्स का,
देयर स्पेशल एडिशंस, हार्ड कवर्स, इस तरीके की जो किताब है वो चाहकर भी पायरेट कर ही नहीं सकते, और करेंगे तो आपको उनका कवर देख के पता लग जाएगा ये तो पायरेटेड कॉपी है। डेफिनेटली वहाँ पर सिस्टम पे भी खरीदने वाले लोग रहेंगे, एंड होपफुली जब वो पायरेटेड किताबें पढ़े उनकी रीडिंग में रुचि बढ़े। चलिए चलिए सुरभि देश, आपके जज्बे को लेके मैं बहुत प्रभावित हूँ, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि आप पूरी तरह से बिजनेस के एंगल्स को नहीं समझ पाए हैं। मार्केट को, एक किस साइज की मार्केट की जरूरत होती है इन्वेस्टर को अपना पैसा बनाने के लिए, तो इसलिए मैं आज आउट हूँ। आपको बहुत गहराई से सोचना चाहिए कि आपको सही में ये रास्ते में जाना है कि इन्वेस्टर से पैसे उठाना, फिर एक बिजनेस खड़ा करना जो सिर्फ रिटर्न पे फोकस्ड हो। मुझे लग रहा है आपकी एक जो पैशन है लोगों को पढ़ाना, रुचि जगवाना, वो आप एक अच्छे बिजनेस को भी बना के कर सकते हैं। बहुत से सेलिब्रिटी आपसे जुड़ जाएंगे कॉज के लिए, एंड आई थिंक यू कैन ब्रिंग अबाउट अ चेंज। यू डोंट हैव टू बिकम द नेक्स्ट कंपनी दैट रेज्ड फंडिंग राउंड। सो गुड लक। एज ए इन्वेस्टर हैट पहनता हूँ, ऑब्वियसली मैं चाहता हूँ कि ऐसे आपके जैसे बहुत सारे युवा पीढ़ी आपसे मोटिवेट हो जो देख रही है अभी, और इस तरीके के बिजनेस चलाएं, क्योंकि ये करोड़ दो करोड़ की प्रॉफिट बनाने वाले बिजनेस आज की डेट में आसान है, क्योंकि बहुत बड़ी रकम होती है, छोटी रकम नहीं होती। यहाँ पर मेरे को नहीं लगता कि मैं इसको उतना बड़ा बिजनेस देख पा रहा हूँ जहाँ पर पैसा डाल के बहुत बड़ा एक आउटकम आएगा, पर मैं अवेलेबल रहना चाहूँगा आपकी हेल्प के लिए। आप मेरे को पर्सनली भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मेरे को आप लोग के मिशन से जुड़ना है किसी दूसरे तरीके से, नॉट थ्रू इन्वेस्टमेंट। Congratulations for building what you have built, guys. Thank you. Very proud of you. Thank you. Good fun. Thank you, guys. Thank you so much. Thank you. So, Namita, I'd like to take this opportunity to get the sign from you. Oh, that's so sweet. Oh, my God. Thank you. Thank you so much, Namita. अब देखो, इतनी दूर से आए हो तो बिना एको चेंज मेकर्स बॉल को मिलवाए कैसे जाने दे सकते हैं, हां? एक बार मिल लेते हैं उनसे, है ना? तो आपको लगता है कि आपके यहाँ आने से जो लोग किताबें नहीं पढ़ते हैं उनकी सोच में, उनके एटीट्यूड में, उनके नजरिए में कुछ बदलाव आएगा? मुझे लगता है कि चैप्टर 1 के थ्रू जो हम लोगों को रीडिंग को और इनोवेटिव बना करके देते हैं, जैसे एक सिंपल सी बुक के साथ एक बुक मार्क जिसपे उसका कोट है ऐड कर देते हैं, कि लोगों को और क्यूरियस करता है किताबों के बारे में, और इसी तरीके से किताबों के साथ वैल्यू ऐड करके वी आर डेफिनेटली श्योर कि हम नॉन रीडर्स को रीडर्स में कन्वर्ट करने में केपेबल रहेंगे। जो आप ये बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हो, इसी बदलाव का एको करता है वेलकम। तो हम चाहते हैं कि आप हमारी एको चेंज मेकर्स वॉल पे एक प्यारा सा छोटा सा मैसेज और ऑटोग्राफ छोड़ दें हमारे लिए। थैंक यू, शुक्रिया। 8 करोड़ से ज्यादा लोगों को एको ने अपनी कमाल ऑफरिंग से खुश किया है। आपकी किताबें भी लोगों में ऐसी खुशियां बांट रहे हैं। वी विश यू द वेरी बेस्ट। शार्क बनना, बिजनेसेस की स्टोरी को ग्लोरी तक पहुंचाने वाले शार्क टैंक में अब आप व्यूअर के साथ साथ होम शार्क भी बन सकते हैं। बस हमें बताएं कि किस आइडिया में कितना दम है, और अगर आपका जजमेंट हमारे शार्क्स के साथ मैच हो जाता है तो हर हफ्ते टॉप 10 होम शार्क्स को मिलेंगे एक्साइटिंग प्राइजेस। डाउनलोड या अपडेट करें सोनी लिव ऐप तुरंत एंड गेट रेडी टू बी अ होम शार्क। आज शार्क एक्सपीरियंस में अनुपम बोलपुर से पाखी का सवाल है, आजकल बहुत सारी कंपनीज अपने एम्प्लॉइज को ले ऑफ यानी निकाल रही है, अगर आपको किसी को फायर करना होता है तो आप क्या करते हो? ग्रेट क्वेश्चन। अमेरिका में जब फायरिंग होती है, लेऑफ्स होते हैं, वो काफ़ी डायरेक्टली होते हैं। आपको एक पर्सनल ईमेल पे कम्युनिकेशन आता है कि आज से आप काम पे नहीं आ सकते और इतने महीने की आपको सैलरी मिल जाएगी। चलिए, नौकरी जाना आर्थिक स्थिति के लिए तो खराब होता ही है, लेकिन जो आपके प्रतिष्ठा को ठेस पहुँचती है तो कई लोग संभल ही नहीं पाते। देखिए, हमारे साथ भी एक वक्त आया जो हमें लेऑफ्स करने पड़े हमारी कंपनी में, जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ 2008 में। तो हमने क्या किया कि प्लानिंग बहुत अच्छी की, एक कोर टीम बनाई और ये तय किया कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पे देंगे ताकि वो फिर जाके अपने पैरों पे खड़े हो पाए, और उनकी मदद करेंगे बाहर प्लेसमेंट करने के लिए, जॉब्स ढूंढने के लिए, और हमने ये किया। एक और बात यह है कि कभी कभी लोगों को फायर करना पड़ता है नॉन परफॉर्मेंस के कारण। हर आदमी हर कंपनी में परफॉर्म नहीं कर पाता है, लेकिन हर आदमी कोई ना कोई कंपनी में परफॉर्म कर पाता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट टू द पॉइंट एंड हैव द कॉन्वर्सेशन एज सून एज पॉसिबल। मैं ये करता हूँ और ये डायरेक्टली करता हूँ जब करने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन सहानुभूति के साथ करता हूँ, समझाता हूँ क्यों ये करना ज़रूरी है। वेलकम टू फिनाले ऑफ सीजन 2 शार्क टैंक इंडिया।
सेम नोटिफिकेशन। एक ऐसा ऐप है जो एक फोन में आने वाला हर एक नोटिफिकेशन दूसरे फोन में तुरंत भेज सकता है, वो भी सब डिटेल्स के साथ कि किसने मैसेज किया, क्या मैसेज किया, कितने बजे मैसेज किया। ये टेलीकास्ट मत होने दियो। गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, सब यहाँ पे देखो पसीने किसको आ रहे हैं। मैं आपको दो तरह के चॉकलेट्स दूंगा। सेकंड वाली थोड़ा सा शुगर ज्यादा लगा, हल्का सा। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारी अनिल गुडनेस चॉकलेट, जिसमें कि लेस शुगर कंटेंट है और उसमें हल्दी है जो कि 10 times मोर एब्जॉर्प्शन पावर रखती है नॉर्मल हल्दी। हल्दी तो इतनी कड़वी होती है, कैसे नहीं टेस्ट आया कड़वापन का। सिर्फ 15 साल की उम्र में हाथ में 300 रुपए लेकर मैं अपने घर से बाहर निकली। 2 दिन मैं रही रेलवे स्टेशन पर, एक लेडी ने मुझे डोर टू डोर सेल्स के बारे में बताया। पता नहीं कितनी डोर बेल्स बजाई। उस दिन मैंने 3 पीस बेचे। ऐसे ही सिर्फ 6 से 7 महीने में उधर उन्होंने मेरे अंडर में 3 लड़कियां रख दी। फर्क बहुत है आपके और हमारे तालीम में। हमने उस्तादों से सीखा, आपने हालातों से। So, हमारी लाइफटाइम सेल्स अराउंड 200 करोड़ की हैं एंड दिस ईयर वी शुड बी क्लोजिंग एट 65 करोड़। मैं और नमिता आपको एक ऑफर देना चाहते हैं, 50 लाख इन डेट फॉर 12% इंटरेस्ट। मैं आपको ऑफर करता हूं जो आपने मांगा, लेकिन कोई डेट नहीं। ये जो एक भूसा डाला है ना सबके सर में कि डेट इज बैड, भूसा, प्लीज अंडरस्टैंड डेट इज चीपर देन इक्विटी। नॉट एट दिस स्टेज।